चाय सीन्स आफ्टर ऑफ रोड चाय सीन्स चाय पार्टी वेरी गुड है वो हार्ट फेलियर वाला ही सीन था दूसरी बार में ढप अंदर हुई ना तब लगा कूदना पड़ेगा गाड़ी से कौन चला रहा था अंशुमन भाई चला रहे थे अंशुमन भाई ने चला रहे थे फिसलनी तो वाली थी बच गए बट विंच बहुत जरूरी है गाड़ी में ये देखो भाई चाय का कप चाय गरम कविराज भैया एक मिनट मेरे पास आओ आप एयर ड्रॉप ऑन करो एयर ड्रॉप जरूरी है पहले भाई अहमदाबाद के साइड में ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है जो कि अपने हाइलक्स मेंबर अवध भैया की है और भाई अभी हम इसको अंदर से देखने जा रहे हैं जिसको कि चप्पल उतार के देखना पड़ेगा ये ऑफ रोडर्स के जूते चप्पल हैं ये बाहर ही उतरते हैं क्यों भैया अरे वाह ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड कूल कूल अरे वाह आओ सर दिखाइए सर दिखाओ सर हाँ जी ओ वाह भैया ये बेचने के लिए है ऐसा नहीं है कि रहने रुने के होटल टाइप नहीं है नहीं होटल टाइप नहीं है ये अच्छा अच्छा नाइस वेरी नाइस भाजी चलो आओ गाइस हम ऊपर ऊपर देख के आते हैं तो भाई अवध भैया और आपका नाम नमन भैया डन ये भैया यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भैया 2-3 करोड़ का तो होगा ये कितने का 80 लाख का यार सही रेट 80 लाख सही रेट है यार अरे तुम भी हो यहाँ वाओ मज़ा यार मज़ा भाई गुजरात वाले सही काम कर रहे हैं यार यहाँ से विंडो खोल के देखे क्या है कैसे खुलती है यार ये अरे खुलती कैसे है मैं नहीं खोल रहा ओह वाह यार क्या सही जगह पे इन्होंने बनाया हॉलीडे होम टाइप है ये लोगों का भैया ये हॉलीडे होम का ही होगा कुछ सी हॉलीडे होम टाइप होगा ये हाँ इधर क्या है अरे वाह नीचे रूम इधर से अटैच भी है अच्छा ठीक है समझ गया अरे वाह सही 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 80 लाख रुपए में तो यार कोई बुरा नहीं है 80 लाख रुपए में इतना खुला जगह एक रूम नीचे एक ऊपर है ना सही है अरे नमन भैया मजा आ गया देख के मेरे लिए तो डिस्काउंट है ना डन ठीक है अभी इसकी प्लानिंग का अच्छा ये किचन है ओपन किचन ओपन किचन तो कनाडा में क्या होता है मेजरली जो वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो वहाँ लोग क्या करते हैं ज़्यादा स्लांट्स वाले घर बनाते हैं बिकॉज स्नोफॉल पूरा स्नो नीचे ही गिरता है तो सो दैट्स द पर्पस वी आर कमिंग अप विद दिस तो वहाँ पे क्या होता है वुडन के हाउस होते हैं सो ये मैंने जैसे ये मेटल है ये मेटल है वहाँ पे वो लोग वुड यूज़ करते हैं हाँ जी और उधर क्या है वो टर्माइट और वुड मिलना इजी और टर्माइट नहीं होती यहाँ क्या है टर्माइट का इशू और वुड इतना सस्ता नहीं है सो दैट्स व्हाई वी कम अप विद द मेटल और मेटल इज लाइक 15-20 साल तक सिर्फ एक विला में 6-7 टन मेटल यूज होता है तुम कुछ ना करो सिर्फ विला ही डेमोलिश कर दो तो भी अभी के 80 लाख के हिसाब से 15-20 लाख सिर्फ विला की मेटल कॉस्टिंग ही निकल जाएगी और ये हॉलीडे होम टाइप है लोग आके अपना रहे है ना 100% मोबाइल होम यू कैन रिमूव एवरीथिंग एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम द रूम कहीं और भी ले जाना तो यू कैन टेक अच्छा नाइस भाई पंखे भी इतने लंबे हैं यार देखो मैंने तो अब देखे थे ना कितने पंखे की अच्छा नाइस टीवी देखो कहाँ लगा हुआ है यार मतलब मजा बांध दिया भैया ने
एसी भी ये देखो ऐसे वाला है, खड़े होने वाला टावर एसी कहते हैं इसे। मैं खड़े होने वाला फ्लैट वॉल नहीं है, दोनों साइड ग्लास है। ओके देख लो भाई, जिसको लेना है बता देना, नमन भैया के पास आ जाना, मेरा कूपन कोड लगा देना, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा कमीशन कमीशन बन जाएगा जो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है भैया से लेके तुम्हें वापस कर दूंगा, ऐसे कर लेंगे। सो भाई कैसा लगा, लेना है एक तुम भी ले लो, प्लान बन सकता है। ठीक है, किसी एक बंदा है हमारे यहाँ पे ना, उसकी शादी होने वाली है, फिर उसको ट्राई करेंगे, दिलाएंगे, है ना, शादी होने वाली है ना एक बंदे की। ये बैठा है बंदा हमारा, बाहर भी बंदे हैं उसकी। हाँ बिल्कुल सही, मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो भाई चलो बाद में करते हैं बातें, थोड़ी देर बातें कर लूँ, हर टाइम फोन हाथ में रख के भी अच्छा नहीं लगता, बंद करते हैं फोन। भाई 3 वॉशिंग सेंटर देखे बट मना कर दिया सबने, ये भाई ने सिर्फ हाँ करी अपने को कि हाँ भाई हम धो देंगे गाड़ी। वो अंदर बैठे हुए मुझे देख रहे हैं कि ये जहाँ देखो कैमरा चलाता रहता है, बट इन लोगों को ये नहीं पता कि एक दिन ये यही वीडियोस देखेंगे और इन वीडियोस को देख देख के ना इनको याद आएगी कि यार हमने क्या टाइम चूज़ किया था, है ना, हमने क्या मतलब घूमने गए थे, मतलब वो यादें ताज़ा होंगी इन लोगों की। बट अभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये जो दो बंदे हैं ना, ये जो आई कॉन्टेक्ट पे दो बंदे हैं, ये दो बंदे, ये अयन से उसके मम्मी पापा बेबी मांग रहे हैं और ये बेवकूफ बंदे कर ही नहीं रहे, कर लेना चाहिए बच्चा इन्हें टाइम से। ये देखो उं नहीं करा सकते अपने घर में अभी तक, ये कराएंगे आंटी जल्दी, टेंशन ना लो। सो भाई मेहनत करने वाले बंदे ऐसे होते हैं, देखो भाई भाई ने बिल्कुल मना नहीं किया और कहा मैं कर दूंगा गाड़ी साफ आपकी, जबकि सारे लोग मना कर रहे थे पीछे, इतनी सारी मिट्टी देख के भाई ने 2 मिनट नहीं लगाए, मिट्टी विट्टी झाड़ दी और अब ये लगा दिया इस पर सब कुछ जो भी ये होता है झाग भाग, अब गाड़ी साफ़ हो रही है। मीर भाई भी रुक गए, कविराज भाई भी रुक गए, कह रहे मैं भी करा ही लेता हूँ यार तू करा रहे तो, और हम भी गाड़ी साफ़ करा रहे हैं। अयन निमिता बाहर आ जाओ, अंदर से भी हो जाएगी यार। हाँ आ जाओ ना, अभी कौन सा मार रहे हैं वो, आ जाओ भाई आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, ये लड़की ने आज ऑफ रोड देखा ऐसे वाला, डेथ रोड था वो, डेथ ऑफ रोड। मीर भाई धुलवा लो यार, सही जगह है, शहर में कहाँ तंग होएंगे, शहर में परेशान होना पड़ेगा। ये बच्चा इतना मेहनती है, ये आता है बात करता है सब कुछ करता है फिर दोबारा अपना पढ़ने बैठ जाता है, वो देखो उसकी बुक्स पड़ी हुई हैं। ऐसे ही बच्चे कुछ बनते हैं लाइफ में भाई, क्या पता यही अगला मोदी बन सके, कोई बड़ी बात नहीं है, जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। ये इसके पापा मेहनत कर रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, बढ़िया, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं तुम्हें मनाने के लिए हाँ ओ हाँ कुछ कहा चाचू, होने वाले चाचू मैं अब उनके ऊपर है यार, कब बनना है, मैं क्या, हम तो रेडी है, हम तो रेडी है, तेरे ऊपर भी तो तेरा है, कभी बन सकते हैं। सो भाई अयन लेके आया है कहीं अच्छी जगह पे जहाँ तांबे के बर्तन है, यहाँ रोटी खिलाएगा। अयन भाई इसमें रखाना खिलाओगे, इसमें ये कटोरियाँ देखो भाई तांबे की हैं, ब्रॉन्स, नाइस, थैंक यू। सो भाई ये प्रांशु है, बहुत स्मार्ट लड़का है, बॉम्बे से, और I'm from Ahmedabad, हाँ हाँ ओके माई पार्डन इंग्लिश नॉट, इंग्लिश नॉट, हिंदी बोलते हैं, मुंबई चा गुजराती हिंदी पंजाबी इंग्लिश ये तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। A1 कैमरा में तीनों भाई बहन आ रहे हैं, अरे भाई बहन भाई और भाभी भाभी हाँ भाभी भाभी निमिता आ रही है, भाभी नहीं आ रही,
निमिता आ रही है दीदी। वो कहाँ गया आईटी वाला? आईटी वाला उसका नाम रख, उसकी उसका पेज का नाम रखते हैं आईटी वाला। वो ही ज्यादा सही है उनके लिए। हाँ आईटी वाला आईटी माफिया। वीडियो बताना, वीडियो आने तो दो। कहाँ है वीडियो? वीडियो दिखाना भाई। ऐसे हुए नहीं, ऐसे हुए भाई। दिखाना वीडियो, हम कहाँ थे, क्या हुआ हमारे साथ, हमें भी समझ आए हमारी नैया कहाँ पलटी। दैया दे रे दैया, ऐसे करो ना दैया रे दैया। पलटी नहीं, बच गई, बच गई। दिखाने का भाई जनता को। अरे भैया ऐसे सीधा करके दिखाने का ना जनता को। ये तो फोटो। अरे यार यहाँ से पीछे जाएगा, जाएगा पीछे वाली भी ली मैंने। चलो जनता हम तुम्हें नहीं दिखाते अभी, बाद में दिखाएंगे। थोड़ी देर रुको, मैं खुद देखने दो भाई। बताओ कैसा लग रहा है? अटका हुआ, अटका हुआ भाभी, अटका हुआ। जा रही है अरे वेरी गुड, फंसी हुई कार निकल गई, ग्रेट भाई। ये है सिस्टम यहाँ पे, ये देखो ढोकला। हिंदी बोले यार, क्या है ये? घेरो घेरो, वेरी गुड। दाल संडी, बासंदी भाई। ये है गोवर्धन थाल, यहाँ पे थाल भर देते हैं पूरा ये सब भाई लोग। क्यों भाई है ना, थाल भर देते ना पेट और थाल। अरे भाई क्या बात है, चलेगा चलेगा, पेट फटेगा सबका, पेट फटेगा।
चलो जी चलो। अरे सारो चारों तरफ से सामान आ रहा है भाई, चारों तरफ से सामान आ रहा है भाई, ये देखो। अरे वाह, मुझे भी थोड़ा 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 खा के देखूं, थोड़ा थोड़ा। वाह वाह भाई, क्या स्पीड है लौंडे की भाई, देखिए कड़ी भाई, कड़ी कड़ी डालने का, यही अपने को चलेगा। तुम्हारे पास क्या है भाई, और क्या है भाई तेरे पास क्या है? अरे बस 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 बस, पापा रहने दे यार। बाटी तो इसमें जाना चाहिए ना, दाल में। वाओ द प्लेट, ये बंदा गुजरात का है, ये बंदी गुजरात की है, ये दोनों में अभी पति पत्नी है भाई। ये पूड़ी है इनकी, छोटू छोटू सी पूड़ी, देखो इसको कहते हैं भाकड़ी, भाकड़ी आपा तो ये खाएंगे जी, भाकड़ी। ये देखो जी, इसमें डाल दिया, ओहो हाँ यार भूल गया था। ए मुन्ना, पेट भर गया यार, यही बोलने का ना, पेट भर गया यार, पेट फुल हो गया। क्यों मुन्ना, पेट फुल हो गया? मजा आ गया, मजा मजा आ गया। थैंक यू सर, बहुत मजा। तो भाई खा लिया गोवर्धन थाल, हमने थाल बहुत टेस्टी था। अब खाना है फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर, ये है ना वही फेमस माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर खा के देख जरा, खाता गड्डी बैग पहले जाएगा, कौड़ा जाया कहंदे हैं समझ नहीं आया फिर रहन दो, मुझे नहीं खाना, जा तू ही खा, मैं नहीं खा रहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। चलो सो भाई, गुजरात का माहौल कुछ ऐसा है कि बारिश होके हटी है। क्यों भाजी, बारिश होके हटी है? अरे यार सही चीज तो ये है, कृष्ण जी की मूर्ति देखो कितनी अच्छी लग रही है। जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो भाई। यार यहाँ पे लोग मानते हैं चीजों को भाई, बहुत अच्छे से। क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो, चारों लड़ रहे हो, पैसे कौन देगा? ये लड़ रहे हैं जी, पैसे कौन देगा? चार बंदे 500 करके दे रहे हो क्या? मेरा भी दे देना जो भी दे रहा है। रमन ये पास पास जैसा नहीं लग रहा? रमन ये पास पास सही लग रहा? ये दूर दूर है भाई, मैं नहीं खा रहा ये। सो भाई व्लॉग का एंड करते हैं मीर भाई के घर से। मीर भाई का घर है या कभी भैया का? कभी भैया वाला घर। आपके घर नहीं गए ना आप अभी? आपका घर है ना यहाँ पे? चलो अपना मतलब कहने का, चलो यार अपने भाइयों का घर है, इनके घर से इस ट्रिप को हम एंड कर रहे हैं। कल सूरत में मिल रहे हैं मतलब, और ट्रिप नहीं सॉरी ब्लॉग को, ब्लॉग को, ब्लॉग को एंड कच्चा हूं ना यार, ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। आज का डे यहां फिनिश हुआ, कवि भैया के साथ उनकी विंटेज जीप में चक्कर लगाना है अभी, वो फिर अगली बार से ही। क्यों भैया आज मजा बहुत आया और फन बहुत हुआ, थैंक यू भाई वीडियो के लिए। थैंक यू। लेफ्ट करते करते नैया लेफ्ट में, थोड़ी सी कोई बॉडी बिल्डर होता ना वहाँ, तो पीछे से थोड़ी सी बस ऐसे लगी थी।
सो भाई चलो ओके भाई, हर हर महादेव, लो नजारे, टाटा बाय बाय। हाँ वो कल पूरा देखेंगे उसको।